इंडिया वर्ल्ड 360 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, वाकई 260 रुपए का एग्रो केमिकल सेक्टर का शेयर आपको बड़ा रिटर्न दे सकता है। और रहा सवाल कुछ कमेंट, पहले उन पे बात कर लेते हैं। अंकुश जी का कमेंट था, सर बजाज हिंद का क्या फ्यूचर है? आगे जरूर बात करेंगे अंकुश सर इस पर। सर 12,000 का प्लस हुआ है आज की तेजी में, ओह थैंक यू सर। और बहुत सभी लोगों के पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छी तेजी आई थी, और कमेंट करने के लिए अंकुश सर थैंक यू। और आपके बजाज शुगर पे भी आपको हम अपडेट इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। श्याम सुंदर सर का कमेंट था, गुड एनालिसिस, थैंक यू सर, कमेंट करते रहिएगा। यासीन सर का था, थैंक्स सर, आपने आपने कहने पर केम फैम एल्कलाइज पर वीडियो बनाई, ग्रेट सर, आपके एनालिसिस बहुत अच्छे हुए, थैंक यू यासीन सर। और रहा सवाल आपकी कोई भी कमेंट हो तो वो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी पे होते हैं, क्योंकि वीडियो ही मैं आपके लिए बनाता हूँ। शुभम जी का कमेंट था, सर मेरे पोर्टफोलियो में आज की तेजी में 40,000 प्लस हुआ, थैंक यू सर। सतपाल सर, सर थैंक्स, थैंक यू सतपाल सर कमेंट करने के लिए, और शुभम जी आपका भी। पी चंद्रा जी का एक क्वालिटी रिसर्च वीडियो, थैंक यू चंद्रा सर, और ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सर। अगला कमेंट है, बहुत ही यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आप सभी को होगा, जक्की सर का है, और जक्की सर बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, और मैं अब जक्की सर से यही कहूँगा कि सर ऐसे ही कमेंट करते रहिए, आपकी कमेंट से भी बहुत कुछ चीज़ें निकल आती है जो कहीं ना कहीं नए व्यूअर्स को भी न चाहते हुए बतानी पड़ती है। मैं बताना नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर भी बतानी पड़ेगी, आपने अच्छा कमेंट किया इसके लिए थैंक यू सर। जक्की सर ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा, और जो नए व्यूअर्स हैं वो भी थोड़ा से इस कमेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेंगे, और यदि कहेंगे तो मैं फिर आने वाले टाइम में एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। जक्की सर का था, जक्की सर ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि सर आपने हेज किया होगा अपने पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं बैलेंस रखने के लिए, तो उसी में मैंने उनको जवाब दिया था। उसका कमेंट जक्की सर का था कि जी सर बिल्कुल अच्छी लगी आपकी वीडियो और एनालिसिस भी, मेरा मतलब था कि ऑप्शन से एज एन इंश्योरेंस हैवी वेट पोर्टफोलियो में करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर जो होंगे वो नया होंगे, जो आउटपुट ऑप्शन के बारे में नहीं जानते हों, उनको ये चीज़ें नहीं समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं डिस्प्ले ऊपर पूरा अभी अपडेट कर दूंगा कि कैसे है इसी कमेंट में ही, ध्यान से बस सुनने की ज़रूरत है। जकी सर का कहने का मतलब था कि मेरी पोर्टफोलियो जैसे बड़ी है और पोर्टफोलियो में जैसे अचानक गिरावट आ गई और गिरावट में सारे शेयर गिरने लगे, तो उसको कैसे हम कहीं ना कहीं से सपोर्ट देंगे, उसके लिए इंश्योरेंस टाइप में पुट ऑप्शन में हमें ट्रेडिंग करनी होती है। जकी सर का कहने का मतलब, मेरा मतलब था कि ऑप्शन से एज ए इंश्योरेंस हैवी वेट पोर्टफोलियो में करनी चाहिए, ट्रेडर नहीं बनना है। अब हम लोगों के पैसे तो लिमिटेड रहते हैं, ये हम लोगों के बस की बात नहीं है, जब दो हाथी लड़ते हैं तो बस बाहर से देखना चाहिए, उनके बीच में नहीं जाना चाहिए, बहुत चोट लगती है। जकी सर बहुत अच्छा कमेंट आपने किया है, और बहुत अच्छी बात भी यहाँ पे आपने जकी सर बोली है कि पुट ऑप्शन में दो बड़े प्लेयर की लड़ाई होती है, और वहाँ पे छोटे हम आप रिटेल जैसे जो हम आप जाके वहाँ पुट ऑप्शन करेंगे तो अपना पैसा भी खो देंगे, और साथ में जो है कहीं ना कहीं अपना सारा पैसा खोएंगे ही, साथ में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल बहुत प्रेशर पड़ता है, और यहाँ तक कि पुट ऑप्शन में बहुत सारे लोगों ने पैसे तो गंवाए, साथ में बहुत सारी दवाइयाँ भी खाते हैं डिप्रेशन की। यहाँ पे उसी में था, 20,000 की रिकवरी थी आज, ये भी अजीब लॉजिक होता है, गिरता ज़्यादा है एक ही दिन में, रिकवरी में टाइम लग जाता है, बिल्कुल सर, लेकिन हम आप इन्वेस्टर हैं और हमारा आपका सबसे बड़ा कहीं ना कहीं जो हथियार है पेशेंस है। और जिस तरीके से आपने ये जो चीज़ें बोली है इंश्योरेंस, ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल कि आपकी 20 लाख की 25 लाख की 50 लाख की पोर्टफोलियो और कोई स्टॉक गिर रहा है, तो पुट ऑप्शन में जाके वहाँ पे आपको छोटा सा पैसा डाल के उसके बदले में, जैसे आपने शेयर खरीद रखा है, एग्जांपल लीजिए कि आपके पास में 2000 IRCTC शेयर थे और वो ऑप्शन है, देखिए वो स्टॉक ऑप्शन में, बहुत सारे स्टॉक ऑप्शन में नहीं होते, स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनियों पुट ऑप्शन में नहीं होती हैं, लेकिन आप जैसे बड़ी लार्ज कैप सेक्टर की कंपनियां पुट ऑप्शन में होती हैं, तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल कि 2000 शेयर हैं आपके और आपने पोर्टफोलियो में ले रखे हैं या 1000 ही ले रखे हैं और वो काफ़ी वेटेज है उस शेयर में, आपका पैसा काफ़ी लगा हुआ है 10 लाख 20 लाख रुपए, अब मार्केट में अचानक गिरावट आ गई तो उसको कैसे करेंगे? तो वहाँ पे जकी सर का कहने का मतलब था कि सिर्फ आप जाके वहाँ पे पुट ऑप्शन में, यदि मार्केट गिर रही है तो आप पुट में जाके बाइंग करके बैठ सकते हैं। जकी सर बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और मेरा मानना है ये करते भी हैं हम लोग, लेकिन हाँ जो नए निवेशक हैं उनको पुट ऑप्शन की नॉलेज नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि ये इंश्योरेंस न करके आप करें क्या, जब गिर जाए मार्केट तो वहाँ पे चाहें तो आप गिरावट में भी वो पैसा आप पुट ऑप्शन में ना डाल के आप खरीदारी कर सकते हैं नीचे से,
क्योंकि पुट ऑप्शन में जाके यदि आप इंश्योरेंस के तहत यदि आप पैसा डालते हैं, यदि 20,000 25,000 या 10,000 भी डालते हैं, तो ये आप समझ लें कि जैसे होगा क्या ना कि वो पैसे को जीरो ही समझिए। अब इस पर एक दिन डिटेल में बात हो जाएगी, लेकिन आज का यदि मैं इस टॉपिक में बात करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि इसमें मैं डिटेल में बात करूँ तो अगली एक वीडियो में ज़रूर बना दूंगा, आप कमेंट करिएगा तो ज़रूर बनाऊंगा। अगला जो कमेंट था हिमांशु सर का था, सर SIP करना चाहता हूँ गोल्ड 20 में कैसा रहेगा, इस पर भी बात कर लेंगे सर। रमेश सर का, सर आज 17,000 की तेजी थी, थैंक यू सर। देखिए वही एक पिछली वीडियो थी, 5 कंपनियों का शेयर की पोर्टफोलियो बना लेना, तो ये वीडियो यदि आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, उसमें बहुत सारी मैंने बात की थी और उस बात से यदि आप जब रिलेट करोगे तो ये सारी बातें आपसे भी जुड़ेंगी। आगे जो बात करें, देखिए अंकुश जी का था कमेंट सर कि बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड कैसी रहेगी, तो मैं बिल्कुल कहूँगा सर बकवास कंपनी है, इसमें बिल्कुल मत पैसे डालिएगा, यदि आप डालेंगे तो बिल्कुल फंस जाएंगे, तो इस ऐसे स्टॉक से दूर रहिए। कंपनी मार्केट में करीब 7,500 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ। यदि और क्यों मैं कह रहा हूँ तो उसका छोटा सा उदाहरण यहाँ देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2003 से पहले स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ था और आज भी स्टॉक कहाँ पे, वहीं पे जहाँ लिस्टेड हुई थी वहीं पे आज भी कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से बिल्कुल स्टॉक अच्छा नहीं है, बिल्कुल इससे दूरी बना के रखिए अंकुश सर। अगला जो था हिमांशु सर का कि सर गोल्ड में निफ्टी गोल्ड 20 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो देखिए निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड 20 का है ये, देखिए सन 2007 या 8 में ये आया था, 9.47 रुपये पे था, देखिए 23 मार्च 2007 में, ठीक है ना, 23 मार्च 2007 में 9.47 रुपये, मतलब 10 रुपये का समझ लीजिए, और अभी 15 सालों में ये पैसा कितना हो गया, लगभग 4.5 गुना हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि आप चाहते हैं गोल्ड ETF में जाना तो बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ 15 साल में बस इतना मान के चलिए कि 15 साल में आपका पैसा जो है 4 गुना, बहुत ज़्यादा तो 5 गुना होगा, इससे नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप गोल्ड में जाना चाहते हैं, यदि आपके पास म्यूचुअल फंड पहले से स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप में है, तो यदि आप जाना चाहते हैं थोड़ा सा वैरायटी चेंज करना चाहते हैं तभी जाइएगा, नहीं जा अन्यथा यदि आपके पास अभी स्मॉल कैप में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, हिमांशु सर जिस एज में आप हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि स्मॉल कैप फंड में आप रखिए पैसा, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में 15 साल में आपका पैसा 5 गुना नहीं होगा, 15 गुना 20 गुना हो सकता है। तो मेरी दोनों राय आपको मिल गई है, आप दोनों में से चाहे जो भी कर सकते हैं। अगली जो कंपनी है जो आपको बड़ा रिटर्न दे सकती है एग्रो केमिकल सेक्टर में, क्योंकि एग्रो केमिकल सेक्टर में जबरदस्त अभी बहुत बड़ा चेंज आ चुका है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री और बाहर से भी बहुत सारी कंपनियां जो चाइना से एग्रो केमिकल लेती थी अभी इंडिया से ले रही हैं। और आप देखें जो कंपनी मैं आपके सामने रखा हूँ BSE NSE दोनों पे लिस्टेड, मार्केट कैप 3,000 करोड़ का है, छोटी सी कंपनी स्मॉल कैप सेक्टर कंपनी है, 260 रुपये इसका प्राइस है, हाई इसका 336 था और लो इसका 200 का था, अभी स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में था, अभी अचानक इस खबर की वजह से क्योंकि चाइना की तरफ से बहुत सारा एग्रो केमिकल अब यूरोपियन और US कंट्रियाँ नहीं ले रही, US मतलब अमेरिका चाहे यूरोपियन कंट्री UK ये सब अब चाइना से एग्रो केमिकल ना लेके इंडिया से ले रहे हैं, और जहाँ पे इंडिया एग्रेसिव तरीके से इन सब चीज़ों को कवर कर रहा है, जिससे इस स्टॉक में बड़ी तेज़ी आ सकती है। और आने वाले टाइम में ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा है, इस पर नज़र जरूर बना के रखिएगा, और आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर में आपको बड़ा रिटर्न मिल सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल देख सकते हैं 40 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 30 का है, फेस वैल्यू कंपनी का 1 है। जहाँ तक बात करें कंपनी डेब्ट फ्री है, और उसके साथ में कंपनी का यदि आप 5 सालों का CAGR देखते हैं तो लगभग 35% के आसपास है, 34.8% का है। उसके साथ में सबसे बड़ी चीज़ क्या, कंपनी का जो क्वार्टरली सेल्स है जबरदस्त है, 190 करोड़, 177 करोड़, 218 करोड़, 251 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जबरदस्त है कंपनी का, 61 करोड़, 43 करोड़, 56 करोड़, 53, छोटी सी कंपनी जबरदस्त अच्छा काम करती है, साथ में नेट प्रॉफिट 43 करोड़, 31 करोड़, 41 करोड़, 38 करोड़, EPS भी ठीक ठाक है। और उसके साथ में यदि आप ईयरली देखते हैं तो कंपनी ईयरली बहुत अच्छा कर रही है, मार्च 2020 में 480 था, फिर 649 हो गया, 716, अभी 800-900 करोड़ से ऊपर का सेल्स जा रहा है कंपनी का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 94 करोड़ का, 183 करोड़ का, 214 करोड़ का, अभी लगभग 212 करोड़ से ऊपर का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट में भी यदि आप देखते हैं तो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो कंपनी बहुत अच्छी है। यदि आप जाना चाहें तो इस स्टॉक को लेके रख सकते हैं, जल्दी स्टॉक आपको डबल हो तो वहां से अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकालिएगा, प्रॉफिट स्टॉक को लंबे समय के लिए होल्ड करिएगा। कंपनी के पास रिजर्व भी लगभग 697 करोड़ का है, कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री है, कोई कंपनी पे कर्ज नहीं, जो 7 करोड़ का जो कर्ज आप देख रहे हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के नजरिए से नहीं लोन ले रखा है। कैश फ्लो की बात करें तो 14 करोड़ का इनके पास कैश फ्लो भी है इस कंपनी के पास में। कंपनी का डेप्टर डेज 126 दिनों का है, मतलब कंपनी अपना जो भी प्रोडक्ट सेल करती है 126 दिनों में इनका पेमेंट आ जाता है। ये कंपनी धीरे धीरे और सुधारेगी तो और अच्छा रहेगा। शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास में लगभग 67% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास में 30% की होल्डिंग है, और कंपनी का नाम है इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड,
देखें एग्रो से एग्रो केमिकल सेक्टर की कंपनी है, जबरदस्त तरीके से काम करती है। इनके बहुत सारे देखो एग्रो केमिकल जो है फसल के लिए कीटनाशक दवाएं बनाती है और कंपनी बहुत अच्छी है। आज भी इस कंपनी आज भी देखेंगे तो आप 8 से 9% की तेजी इस स्टॉक में आ चुकी है। तो ये स्टॉक जबरदस्त है, यदि आप देखेंगे तो मार्केट में इनके 11 करोड़ 51 लाख शेयर लिस्टेड हैं। फ्यूचर में कंपनी, मेरा मानना है कि स्टॉक आपको जल्दी ही 500-600 रुपये का लेवल दिखाई दे सकता है, क्योंकि जल्दी इस कंपनी का आईपीओ आया था, वहां से भी स्टॉक गिर के लगभग 200 रुपये के लेवल को टच कर चुका था और अभी स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में था। अब इस स्टॉक में एक रैली आएगी ना तो स्टॉक 500 से पहले नहीं रुकने वाला, बस इसमें मार्केट का सपोर्ट होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बड़ी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, साथ में आपको और क्या जानकारी चाहिए, किस स्टॉक को जानकारी चाहिए, और जो मैंने बीच में चर्चा किया कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे इंश्योर्ड कर सकते हैं, यदि उस पर भी यदि आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जो मैंने नॉलेज दी आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में यदि आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहें और मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।